Hello everyone, you'll be Dr. M.K. Das. Today I will say you what is grammar, types of grammar, how many types of grammar, definition of grammar, about etc. grammar. ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं. आज मैं आपको बताऊंगा ग्रामर क्या है. इससे पहले हमने बताया इंग्लिश और इंग्लिश के पार्ट्स. उस पार्ट्स में दो थे, एक ग्रामर और एक लिटरेचर. तो अब हम आपको ग्रामर बताएंगे. तो ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं. ग्रामर देखते हैं, ग्रामर क्या होता है, या फिर हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो या कोई भी ग्रामर हो, क्या होता है ग्रामर. ग्रामर इज द साइंस, ग्रामर इज द साइंस दैट स्टडी द पीपल नाउ करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज. ग्रामर ग्रामर एक शास्त्र है, व्याकरण एक शास्त्र है, ग्रामर एक शास्त्र है, विषय है. विषय है दैट स्टडी, जिसका अध्ययन करके, जिसका लोग पढ़ाई करके, द पीपल नाउ करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज. लोग जो है उसको पढ़कर इंग्लिश और इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा का सही सही प्रयोग कर पाता है, सीख जाता है. एस जैसे कि करेक्ट रीडिंग, जैसे कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट लर्निंग, सही तरह से आप पढ़ पाएंगे, सही तरह से लिख पाएंगे, सही तरह से समझ पाएंगे. स्पीकिंग एंड वी, और स्पीकिंग, और सही तरह से आप बोल भी पाएंगे. एंड वी करेक्ट एक्सचेंज, आवर एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड ग्रामर और इंग्लिश हिंदी ग्रामर. शुद्ध हमें बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और वी करेक्ट एक्सचेंज आवर एक्सप्रेशन, और हम लोग अपने सोच को, अपने भावना को, अपने भावना को एक दूसरे में सही सही एक्सचेंज कर पाएंगे, भावना को व्यक्त कर पाएंगे, बता पाएंगे. इट इज कॉल्ड ग्रामर, इसे हम ग्रामर कहते हैं, या फिर इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, या फिर हिंदी ग्रामर कहते हैं. या फिर ग्रामर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामर इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज दैट यूजुअली इट्स यूज ऑफ ऑर्थोग्राफी, इटाइमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी. ग्रामर को हम इस तरीका से भी बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रामर भाषा का, ग्रामर जो है किसी भी भाषा का एक बनावट है, एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, बनावट है, जिसका प्रयोग ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी में किया जाता है. ऐसे भी हम ग्रामर को डिफाइन कर सकते हैं. There are some types of grammar. ग्रामर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो कि इस प्रकार है. तो ठीक है, हमने अभी बताया there are some types of grammar. Normally तरीका से ग्रामर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि केस ग्रामर, पंक्टिव ग्रामर, कंपरेटिव ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, लेक्सिको ग्रामर, मेंटल ग्रामर. ये सारे ग्रामर्स के कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है, हम इसमें से पार्टिकुलर रूप में पढ़ाई करेंगे. तो ग्रामर हमने बहुत सारा, कई प्रकार के हमने बताया, सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर. लेकिन एक पार्टिकुलर स्टडी के लिए, खास स्टडी के लिए ग्रामर के मुख्यतः पांच ही रूप होते हैं, या फिर वो हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो या कोई भी ग्रामर हो. तो हम बता देखते हैं, बट देयर आर फाइव टाइप्स पार्ट्स काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ग्रामर के मुख्यतः पांच भेदी होते हैं, और हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, उसके मुख्यतः पांच भेदी होते हैं. फॉर अ पार्टिकुलर स्टडी, एक खास पढ़ाई के लिए ग्रामर के मुख्यतः पांच भेदी होते हैं, जो कि इस प्रकार है. ऑर्थोग्राफी, हिज्जा या फिर वर्तनी या फिर वर्ण विचार, इटिमोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी, शब्दों का इतिहास या फिर शब्द विचार, साइंटिक्स वाक्य विचार, या फिर पंक्चुएशन चिन्ह विचार, या फिर प्रोसोडी छंद विचार.